ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हमारे आंतरिक जो शत्रु हैं, जिन्हें हम षड रिपु कहते हैं, उनमें हम काम और क्रोध, इन दो पर चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में चर्चा करते हैं लोभ के ऊपर। यह शत्रु जिसके पीछे पड़ जाए, जिसके अंतर में बैठ जाए, जिसके अंतर में यह शत्रु क्रियाशील हो जाए, उसके जीवन को बहुत व्यथित, पीड़ित और दुखी कर देता है। कैसे, समझते हैं आज के वीडियो में। लोभ, पहले एक समझें एक शब्द लोभ। हमने पिछले वीडियो में देखा क्रोध पर चर्चा करते समय कि क्रोध कब आता है, जब कामना पर और लोभ पर चोट पड़ती है। तो आज लोभ, लोभ एक शब्द, लोभ का अर्थ ही है लाभ का अतिरेक हो जाए। लाभ के प्रति तो हम सबको सचेत होना ही चाहिए। जो हमारा परिश्रम है, उसका जो प्रतिफल हमें मिलना चाहिए, वो हमारा लाभ है। कोई भी कार्य हम करें, उसके बदले में जो कुछ मिलता है, वो हमारा लाभ है, हम उसके अधिकारी हैं। लेकिन उसमें लोभ उसकी तरफ वो नहीं बढ़ना चाहिए, उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। लाभ की जो कामना हमारी, जो हमारा अधिकार है, वह लोभ में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यदि वो लोभ में परिवर्तित हुआ तो जीवन, सब कुछ होते हुए भी जीवन के सारे सुख संतोष आनंद सुख शांति सबको नष्ट कर देता है यह लोभ की कामना, लोभ की भावना। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो घटनाएं जो प्रत्यक्ष जीवन में, जिसमें मैंने लोभ के दुष्परिणाम देखे, वो उनसे सबक सीखने की आवश्यकता। एक छोटी सी कहानी, वो तो कहानी है लेकिन वो हर किसी पर फिट बैठ सकती है। उसका संबंध कभी घटी होगी ऐसा नहीं। वो कहानी छोटी सी, एक राजा, उसके पास एक नाई आता है, दाढ़ी बनाता है, वो उसके बाल की जो उसकी सेवाएं करता, राजा के चला जाता बड़ा मस्त। वो राजा ने एक दिन अपने एक मंत्री से पूछा कि छोटा व्यक्ति, इतना इसकी बहुत ही संक्षिप्त सी आय, और ये इतना मस्त रहता है, अपने काम इतना हंसी खुशी करता है, मैं राजा पूरे राज्य का स्वामी, उसके उपरांत में बहुत परेशान और बहुत अशांत, जो जीवन आनंदित ये जी रहा है, उस आनंद की तो मेरे जीवन में झलक भी नहीं। क्या है इसके पीछे रहस्य, क्यों है ऐसा? मंत्री बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा राजन मैं कुछ करके समझाता हूं आपको। मंत्री ने क्या किया, एक थैली में 99 पूरी 100 नहीं 99 सिक्के, उस समय चांदी के सिक्के चलते होंगे, वो एक थैली में रख करके उस नाई के घर में पटक दिया। उसने वो थैली देखी, बड़ा अचराया, चक्र बड़ा, ये कहाँ से कैसे क्या। उन्हें देखा आसपास कोई भेजने वाला नहीं, चलो ऊपर वाले ने सुनी। अब जो सामान्य रूप से अपना काम कर रहा गुजारा, उसको 99 सिक्के चांदी के मिल जाए अचानक, उसने गिने 99। सोचते सोचते विचार में पड़ा कि 99 हैं ये, और वो सीधा 100 पर, काश ये 100 होते, एक सिक्का कम है इसमें, चांदी की एक सिक्का, चांदी की एक मुद्रा। उस समय तांबे के सिक्के सामान्य से चला करते थे, चांदी के सिक्के की तो बहुत वैल्यू। तो किसी तरह से बचा करके, बचत की जाए खर्चे में, और एक चांदी का सिक्का और हो जाए तो ये पूरे 100 हो जाएंगे। 99 है, कमी सी है कुछ। और उसी दिन से वो उधेड़बुन में लग गया पैसा बचाने में, ताकि एक चांदी का सिक्का उतनी रकम और बचाई, उतना पैसा और बचा करके उससे 100 किया जा सके। जैसे ही उसको वो थैली उसके घर में मिली, उसके बाद जब वो राजा की सेवा में आया, तो राजा ने देखा कि पहले जैसा आनंद, पहले जैसी मस्ती उस नाई के व्यवहार में नहीं है। बड़ा राजा आश्चर्यचकित, पूछे बार बार,
ना ही कोई जवाब दे। नहीं महाराज कुछ भी नहीं, ऐसा सब ठीक, बस सब आपकी कृपा। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोले। मंत्री को बुलाया, महामंत्री से उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या किया। जो वास्तविकता थी घटना मंत्री ने महाराजा को बता दी। सीधा सा अर्थ, वो नन्यानु का फेर, क्या अर्थ निकला इसका, इसके पीछे रहस्य क्या है। जो नन्यानु मिले वो उसके सुख से भी वंचित हो गया। एक के लोभ की और भावना जैसे ही आई, यदि एक और हो जाए और 100 पूरे हो जाएंगे, ये यदि भावना ना आती तो नन्यानु का सुख उसके जीवन के आनंद में और वृद्धि कर सकता था, करता निश्चित रूप से। लेकिन ये किसी तरह से नन्यानु के 100 हो जाए, ये भावना जैसे ही मन में आई और उस नाई की, उसके काम करने वाले की, जो भी काम करने वाला रहा हो, एक उदाहरण दिया नाई का, जो भी कोई काम करने वाला रहा हो, किसी के भी साथ ऐसा घट सकता है। जो कुछ है उपलब्ध उससे संतुष्ट न होकर के उसको और अधिक उसमें बढ़ाने की भावना जब मन में लग जाए, और वो क्यों लगी, यहां पर एक बात ध्यान देने की, वो 99 जो मिले थे उसको, वो उसकी मेहनत के कमाए हुए नहीं थे, वो तो फेंक दिए गए थे, उसको रास्ते चलते मिले थे। परिश्रम की कमाई नहीं थी उसकी, वो उसको मिले थे। तो ऐसे बहुत से काम हैं। अब देखें नजर देखा, बात थोड़ी सी किसी को चुभ सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। कई विभाग सरकारी, कई चाहे प्राइवेट में भी ले लें आप, कहीं पर भी, जहां पर जिसको कहते हैं ना ऊपरी कमाई, वो जब पैसा आता है और वो पैसा जब इकट्ठा होता है, एक तो वो, दूसरा कुछ पैसा इकट्ठा होने के बाद कई व्यक्ति ब्याज का काम शुरू करते हैं। ब्याज का काम क्या है, वो पैसा भी देखा जाए तो मेहनत परिश्रम का नहीं है, और जो ऊपरी कमाई से आने वाला पैसा वह भी मेहनत परिश्रम का नहीं है। ये दोनों पैसे जब आते हैं तो ये पैसे लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, लोभ की मात्रा को जन्म, लोभ को जन्म दे देते हैं, जो कुछ है उसके संतोष से विरत कर देते हैं, और अधिक की कामना, अधिक की लालसा, जो कुछ मिलना चाहिए उससे अधिक की जब कामना मन में उत्पन्न हो जाए, वही लोभ है। और ये भावना जिसके मन में आ जाए उसके जीवन को बहुत व्यथित कर देती है। मैंने काम बरसों से इस विषय से जुड़ा हुआ हूं, कई बार देखा है हमारे यहां सामान्य व्यक्ति जो है ना, कई ऐसी घटनाएं जांच कराते हैं साल में 6 महीने में, और वो देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे बीमारी कुछ होने वाली, कैसे बचा जा सकता है, सब ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। कई व्यक्ति कहते हैं सब ठीक ही चल रहा है, फिर जांच कराने की क्या जरूरत है। कई व्यक्तियों को तो जांच कराए, किसी के कहने पर डॉक्टर साहब ने कहा करवा भी ली, कोई बीमारी निकली तो कहते हैं जांच के टेस्ट के पैसे व्यर्थ गए, बेकार गए, कोई बीमारी तो निकली ही नहीं। कोई बीमारी निकल जाती तो पैसे वसूल हो जाते। ये एक लोभी व्यक्ति का की सोच होती है, और एक जो मेहनत से कमाता है, जो लोभ की प्रवृत्ति में नहीं है, वो सोचता है कि एक निश्चिंता हो गई, टेस्ट करा लिया, जांच के पैसे लगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बीमारी नहीं है। और मान लीजिए हमने किसी तरह की कोई बात जांच निकली, डॉक्टर साहब ने सलाह दी, प्रिकॉशन तो बरतने की, कई बार व्यक्ति क्या सोचता है जब होगी तब देखी जाएगी। मैंने कई बार वास्तु के क्षेत्र में जब सलाह दी, कहा कि ये परिवर्तन करवा लीजिए ठीक रहेगा, उनने पूछा कि ये नहीं कराते तो इसके दुष्परिणाम क्या, इफेक्ट क्या आते हैं। मैंने इफेक्ट बताए, वो जो चेंजेस थी उसमें कुछ पैसा खर्च होना था, ये भी नहीं कि बहुत बड़े रकम, और ऐसा भी नहीं बहुत सक्षम नहीं, बहुत पैसा, लाखों रुपयों का, करोड़ों उनके ब्याज पे चल रहे,
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अच्छा सब कुछ, पैसा की आमदनी सब कुछ, उसके बावजूद वो थोड़ा सा पैसा यूं खर्च नहीं कर रहे। एक कहें जा रहे कि भाई ये यदि रहने आएंगे तो इसका दुष्परिणाम इस तरह का आएगा, वो परिवर्तन नहीं कराया। भावना क्या होती है ऐसे व्यक्तियों के मन में, यह पैसा अभी कुछ है ही नहीं, समस्या होगी तब देखी जाएगी, क्यों अभी यह पैसा खर्च किया जाए, यह पैसा ब्याज पे चलेगा तो बदले में वो रिटर्न आएगा। तो जो पैसा ब्याज पे जा करके उसके बदले में दो रुपए पांच रुपए जो भी वो देते हो, जो भी रेट रहता हो ब्याज पे देने का, रुपया डेढ़ दो जो भी, वो नजर आता है सीधा। और वो नुकसान जो ब्याज का काम करने वाला ब्याज का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक रुपए का सिक्का जिसकी साइज ये, ब्याज का काम करने वाले को एक रुपए की सिक्के की साइज वो बस के टायर के बराबर, इतना बड़ा नजर आता है उसको, वो खर्च नहीं कर सकता उसको। और जो परिश्रम से कमाने वाला वो उससे आप चाहो जितना पैसा खर्च कर रहा हो, जानता मैंने मेहनत से कमाया, खुशी से खर्च करेगा वो। लेकिन जो ब्याज का काम करता है, जिसके लोभ की प्रवृत्ति, उसकी कोशिश ये रहेगी कि जो मुझे वाजिब है लगता है इसको, इसका तो इतनी मजदूरी तो बनती है, इसको 125 रुपये तो देना ही चाहिए, सारी रिश्तेदारी निकाल लेगा, घर जैसे संबंध बना लेगा, कोशिश करेगा 125 की जगह किसी तरह से 100 रुपये में ही टिका के काम चला लूँ, ये लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। जब इस तरह की मानसिकता घर कर जाए और जीवन में व्याप्त हो जाए तो पग पग पर हर क्षेत्र में, फिर वो सभी जगह उस तरह का, क्या खान पान में, क्या व्यवहार में, सभी जगह वो लोभ की प्रवृत्ति उसके व्यवहार में मिक्स हो जाएगी, उसमें सम्मिलित हो जाएगी। और यह लोभ, यह प्रवृत्ति उसको उसके जो भी कुछ है उसके पास, उसका सुख मिलने ही नहीं देगी। वो सोचेगा इसको तो मुझे बचा के रखना, ये 99 तो हैं ही सही, कुछ और करके इसको पूरा कर लूं। वो अपनी तुलना किससे करेगा, अपने से बड़े से, उसके पास इतना है। वो ये नहीं देखेगा जो उसके पास है, करोड़ों व्यक्ति हैं जिनके पास उसका 100वां हिस्सा भी नहीं, इतना संपन्न, जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी सब कुछ, इसके बाद भी, इसके उपरांत भी जो पैसे का जो है उपलब्ध, उसका सुख जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाता, क्यों? उस लोभ की प्रवृत्ति के कारण। हमें कोई हमारे लाभ पर यदि किसी तरह का कोई आंच आती है, हमें तकलीफ होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं, लाभ पर हमारा अधिकार है, वो होना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। अगर हम लाभ पर हमारा अधिकार नहीं रखेंगे तो फिर हमारा स्वयं का जीवन यापन वही मुश्किल हो जाएगा। मैं लाभ से बचने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लाभ के अधिकार के लिए हम जो कुछ कर सके हमें करना चाहिए। कोई हमारे लाभ पर यदि चोट करने की कोशिश करता हमें क्रोध आना चाहिए, लेकिन यदि लोभ पर चोट पड़ती तो फिर क्रोध नहीं आना चाहिए। और लोभ की प्रवृत्ति हुई मन में और उस पर चोट पड़ेगी तो क्रोध आएगा ही आएगा। क्रोध से बचना है और जीवन का सुख आनंद लेना है तो लोभ की प्रवृत्ति से बचना बहुत आवश्यक है। जो है उसको परम संतुष्ट उसमें होना, जो है उसका आनंद लेना, और जो परिश्रम मेहनत हम कर रहे हैं उससे जो हमारा अधिकार बनता है उसके ऊपर, उसके प्रति सचेत और जागरूक होना। हम ये हो गए, लोभ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना हक बनता है, जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, फिर तकलीफ किस बात की? ना क्रोध आएगा और ना जीवन में अशांति उत्पन्न होगी। और जो कुछ है जीवन में, जो कुछ उपलब्ध है हमारे पास, उसका आनंद ले सकेंगे और जीवन को आनंदित होकर जी सकेंगे। मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप सबका जीवन लोभ मुक्त हो, आनंदित हो, सुखी हो, शांत हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।